तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेक्स रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन एक हमद, जो कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। और रमज़ान के महीने में एक हमद आई है फिरोज़ खान, जो कि पाकिस्तान के एक्टर हैं ना, उनकी तरफ से फीट फिरोज़ खान, और हमद का नाम है अलहुदा एंड मोहम्मद ईसा ने गाया है। तो देखते हैं गाइस, मतलब कैसा है क्या है बोल के। तो फिरोज़ खान है तो बहुत ही अच्छी तरह से मतलब शूट किया होगा, स्पिरिचुअल है थोड़ा, हमद है तो सुनते हैं गाइस, मतलब रूहानी तरीके से बहुत अच्छा होगा। और रमज़ान का महीने में, और हमद फॉर रमज़ान बोल के ही मतलब इन्होंने डेडिकेटेड बनाया है अलहुदा बोल के नाम। तो चलिए गाइस, मतलब सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइस। तो चलिए गाइस, पहले सुनते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। اللهم إني أسألك الهدى أسألك الهدى بہت ہی پیارا مطلب سٹارٹ بہت اچھا ہے إني أسألك الهدى أسألك الهدى دل کا رخ مڑ گیا کیوں راستہ گم گیا کیوں खुद से हूँ लापता मैं राह से भटका हुआ हूँ अल्लाह अल्लाह फिर से मैं क्यों गिर गया फिर से मैं फिसल गया या खुदा मुझको बचा ले सीधी राह मुझको दिखा दे या खुदा मुझको बचा ले सीधी राह मुझको दिखा दे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा अस्अलुकल हुदा अल्लाहुम्मा إني أسألك الهدى أسألك الهدى جور میں میں گناہوں کی کب سے الجھا ہوا تھا لہروں میں میں گناہوں کی کب سے ڈوبا ہوا تھا تو ہی میرا रहनुमा है राह हक मुझको दिखाना तौबा करने आया हूँ मैं मेरी खताए माफ तो करना अल्लाह या खुदा मुझको बचा ले सीधी राह मुझको दिखा दे या खुदा मुझको बचा ले सीधी राह मुझको दिखा दे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा अस्अलुकल हुदा माशाअल्लाह गाइस, मतलब बहुत ही प्यारा है, सुकून मिला गाइस। मतलब इस तरह का हमद जो इन्होंने बनाया है ना, मोहम्मद ईसा और फिरोज़ ख़ान का प्रेजेंस बहुत ही अच्छा लगा। और वीडियो बहुत ही अच्छा, मतलब स्पिरिचुअली बहुत अच्छा शूट किया है, रूहानी है वीडियो। और वीडियो वाइज मैं वीडियोग्राफी की बोल रहा हूँ, शूट बहुत अच्छा किया है। जो कि कॉस्ट्यूम्स इन्होंने जुब्बा जो इन्होंने मतलब जुब्बा जो कॉस्ट्यूम्स इन्होंने यूज़ किए हैं ना, वो बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअली है, लेकिन सुनने के लिए बहुत अच्छा है गाइस। मतलब एकदम सुकून है, स्पिरिचुअल है। लिरिक्स पे बात करेंगे तो लिरिक्स ये ऐसे हैं हमद में, लिरिक्स ये दुआ भी, हम एक तरह से दुआ भी बोल सकते हैं, एक तरह से अल्लाह और बंदे के बीच में
एक कन्वर्जेशन चलता है ना रमज़ान के महीने में, जिस तरह से हम साल भर गुनाह जो भी मतलब हम जिस तरह के गुनहगार बंदे हैं ना, अपने मालिक से जो भी हम मांगते हैं, जो भी दुआ मांगते हैं रमज़ान में, जो भी माफ़ी की तलबगार हम जो माफ़ी मांगते हैं जो करते हैं ना, उसका सिला हम मालिक से तो मांगते हैं। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, मतलब इस तरह का दुआ बहुत ही अच्छा, मतलब लिरिक्स वाइज ये एक अल्लाह और बंदे के बीच में जो कन्वर्जेशन चलता है ना, दुआ जो मांगता है ना, उस तरह का है ये। बहुत ही मतलब मज़ा आया मुझे सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही लिरिक्स बहुत अच्छे हैं गाइस, मतलब सुनने के लिए बहुत सुकून है। एक तरह से दुआ है एक और हम्द भी है, और बहुत ही रूहानी है, बहुत अच्छा है गाइस। मतलब वॉइस भी बहुत अच्छा है, मोहम्मद मोहम्मद ईसा का आवाज़ भी बहुत अच्छा है। और इसको मतलब कंपोज किसने किया है देखते हैं गाइस, मतलब डायरेक्टर आके सुहेल जावेद, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है। म्यूज़िक एंड कंपोजिशन आके सनवील खान, तो बहुत ही अच्छा करा है गाइस इन्होंने। और डीओपी आके साकिब हुसैन ने किया है, तो बहुत ही अच्छा है गाइस। मतलब रमज़ान के महीने में सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा, कभी भी सुनो गाइस, हम्द बहुत ही अच्छे रहते हैं। और स्पेशली मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, एक तरह से दुआ, एक तरह से मतलब कन्वर्जेशन। मैंने बहुत 3-4 बार ही बोल दिया है इस वीडियो में, कन्वर्जेशन मतलब बंदा और खुदा के बीच में जो रूहानी कनेक्शन रहता है ना, उस तरह के लिरिक्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।